मैं करने वाला हूँ पूरे मार्केट को एक्सप्लोर और आपको बताऊंगा कि 5,000 रुपए में आप कैसा मोबाइल फोन ले सकते हैं। हमारा बजट 5,000 रुपए है और आगे चलकर देखते हैं कि 5,000 रुपए में। हाँ जी, तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है जब आप ब्लॉग करने लगते हो तो लोग देखते हैं तुमको। अभी हम बताएंगे आपको, फोन नहीं है भाई, कैमरा है। तो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुझे फोन मिल पाता है या मेरे साथ क्या होता है। आइए देखते हैं। तो आजकल मार्केटिंग होती है ऑनलाइन, मतलब अगर आप फ़ोन खरीदना चाहते हो तो ऑनलाइन खरीद लेते हैं। मैंने सोचा, मेरे दिमाग में आया कि मैं मार्केट में आता हूँ और 5,000 रुपये का बजट रखता हूँ और देखता हूँ कि लोकल मार्केट में, क्योंकि ऑनलाइन में आउट ऑफ स्टॉक रहता है, मैं ये देखूँगा कि लोकल मार्केट में हमें 5,000 के अंदर कौन सा फ़ोन मिल जाता है। मैं बात नहीं कर रहा हूँ बड़े बड़े शहरों की या बड़े बड़े मॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ छोटी जगहों की, छोटे कस्बों की, छोटी गलियों की। जैसे कि आपको पैन करके दिखाएंगे कैमरामैन, छोटी सी गली है बुलंदशहर में, यहाँ पर मैं ये देखूँगा कि 5,000 के अंदर मेरे को कौन सा मोबाइल फ़ोन मिलता है और क्या स्पेसिफिकेशंस मिलती है। तो अभी हमने दुकानदार जी से बात की है, उन्होंने बोला कि 5,000 रुपये में आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे एंड्रॉयड के। हाँ जी, दिखाइए 5,000 के नीचे कौन से फ़ोन है आपके पास। तो हम एंड्रॉयड ढूंढ रहे हैं 5,000 के अंदर और देखते हैं हमें ऐसे मार्केट में, मतलब 5,000 से नीचे कौन से फ़ोन मिलते हैं। तो सैमसंग का पहला ये डिवाइस दिखा रहे हैं, सैमसंग 5,600 रुपये की रेंज में, 5,600। तो यहाँ पर ये फ़ोन उन्होंने दिखाया 5,600 की रेंज में, मतलब 600 रुपये थोड़ा सा अप जा रहा है। इसकी स्पेक्स देखेंगे हम अभी, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि लेना है कि नहीं। इसमें हमें मिलता है 4G मिल रहा है, 5,600 में 4G मिल रहा है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल रहा है और 12.64 सेंटीमीटर की 5 इंच की, मतलब 5 इंच की स्क्रीन देखने को मिल रही है और फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों 5 मेगापिक्सल है, 16 GB मेमोरी, 1 GB रैम। और यहाँ पर हमें दूसरा, ये तो ये कोर सैमसंग कोर A2 था और अभी ये है आईटेल ब्रांड के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, ये आईटेल ब्रांड है, ये 4,900 का है, 4,900, ये 4,900 का है। इसके स्पेक्स देख लेते हैं हम क्या क्या है इसमें। इसमें IPS डिस्प्ले है, एंड्रॉयड 7 नोगट देखने को मिलता है, 2700 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी, 1.3 GHz का प्रोसेसर, ना 2 GB रैम है लेकिन प्रोसेसर इसका थोड़ा वीक है, GPS है और 4G का इसमें देखने को मिलता है। कुछ खास तो नहीं है लेकिन इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। 4,900 में मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी डील है, A42 Plus। और दिखाइए कोई और है, और भी देख लेते हैं ऑप्शन हमें क्या मिलता है 5,000 के बजट में। तो अगर इतने कम बजट में भी अगर आप फोन खरीदना चाहते हो तो आपको मिल जाएंगे। नोकिया में है कोई, नोकिया में ये है, ये आपका 4,200 रुपये की रेंज में, 4,200 नोकिया। ये नोकिया का फोन है, नोकिया वन है ना जी, नोकिया वन है जो कि 4,200 का है। इसके स्पेक्स देखते हैं हम, 4.5 इंचेस की स्क्रीन है, 1 GB रैम, 8 GB स्टोरेज, 5 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि कम है, काफ़ी कम है। तो ये तो, लेकिन ये प्राइस भी इसका बहुत कम है, सिर्फ 4,200 में मिल रहा है। तो ये दिखने में काफ़ी अच्छा फ़ोन है, नॉर्मल अगर काम करना है आपको तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन PUBG इसमें नहीं चल पाएगा। और भी और कोई है इस रेंज में, यही है। तो हम कम से कम ढूंढ रहे हैं कि कैमरा थोड़ा सा बेटर हो, कैमरा बेटर मिला हमें इसमें, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है, मतलब हमारा बजट सिर्फ 5,000 तक ही है, उसके बाद हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, तो अभी तो बात नहीं बनी है हमारी। आइए चलते हैं दूसरी मार्केट में, मैं आता हूँ दूसरी, हम दूसरी मार्केट में देख के आते हैं और अगर हमें अच्छा फ़ोन मिल गया तो नहीं तो हम यहीं से ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मार्केट में और बताता हूँ मैं आपको फ़ोन मिलता है। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पर मार्केट में, तो मैंने सोचा कि 5,000 रुपये में क्या एंड्रॉयड फ़ोन आ सकता है। तो आज मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ कि 5,000 रुपये में अगर आप लोकल मार्केट में फ़ोन खरीदने आते हैं तो आपको किस तरह का फ़ोन देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल जो भी मार्केट हो गई है वो ऑनलाइन हो गई है, सारे फ़ोन जो भी लोग खरीदते हैं वो ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑफलाइन मार्केट को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ फ़ोन आते हैं और वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, लोगों तक मिल नहीं पाते। तो आज हम देखेंगे कि लोकल मार्केट में क्या क्या फ़ोन नज़र आते हैं
और क्या क्या ऑप्शन 5,000 के नीचे अभी आज के वक्त में मिलने वाले हैं? हाँ जी दिखाइए। तो यहाँ पर हमें जो पहला ऑप्शन देखने को मिला है वो है Redmi Go। Redmi ब्रांड के बारे में आप बहुत जानते होंगे, आजकल जितने भी बजट फोन आ रहे हैं वो Redmi के ही आ रहे हैं। तो 5,000 के सेगमेंट में Redmi कितने रुपए का है? कितने रुपए का है? ये 4,800 का है, Redmi का फोन है, Redmi Go है और ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हम इसके स्पेक्स देखें जरा। इसमें 1GB रैम है, 16GB का स्टोरेज, Qualcomm Snapdragon 425 प्रोसेसर है जो कि iTel के फोन से बहुत ज़्यादा बेटर है। 1.3GHz का प्रोसेसर था वो और 8MP का रियर कैमरा, 5MP का फ्रंट कैमरा, 3000mAh की बैटरी और 5 इंच की HD डिस्प्ले 720p। ओके, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन लग रहा है। 5,000 कितना बताया आपने? 5,000 रुपये। 4,800। अच्छा 4,800 का है ये Redmi Go। नेक्स्ट आपके पास कौन सा मॉडल है? हाँ, ये नेक्स्ट मॉडल है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, Samsung का A2। इसका क्या प्राइस है? कितना? 5,200। ये फोन अभी आप देख सकते हैं, सिर्फ एक दुकान का फर्क है और ये फोन 5,600 का बता रहे थे वो भाई साहब और ये हमें बता रहे 5,200 का। तो अब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। काफ़ी अच्छा है, इस शॉप में आप आ सकते हैं, यहाँ पर सस्ते फ़ोन मिलते हैं। चलिए और नेक्स्ट। लावा दिखाइए। नहीं, 5 बाबा साहब मिलेगा फिर 61 है, वो स्टॉक आ रहा है। कितने का है वो? वो समथिंग आपको 5,000 रुपये का। हाँ दिखाइए, आ रहा है। क्या मॉडल नंबर क्या है? ओके, लावा का एक और फोन है, लावा 61, वो भी अभी ये मंगा रहे हैं, वो 5,000 रुपये के आसपास आ जाएगा। उसको भी जरा देख लेते हैं, उसके बाद हम फाइनल, अगर मेरे को कोई और ब्रांड नहीं मिला तो मैं ये फोन लेकर घर जाने वाला हूँ जो कि 5,000 रुपये का है, Redmi Go है और अभी लोकल मार्केट में मुझे यही बेटर लगा 5,000 में। ज़्यादा घूमने का फायदा नहीं है क्योंकि 5,000 में मुझे नहीं लगता ज़्यादा ऑप्शन मिलने वाले हैं। जो मिल रहा है ये बेटर फोन, ये बेटर है ना। फिर भी एक बार देख लेते हैं, आप मंगा लो जल्दी से। थोड़ा समय लगेगा। कितना समय लगेगा? चलो ठीक है, हमारा वीडियो का सेगमेंट है जो अवेलेबल है, अभी अवेलेबल नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम Redmi का यही फ़ोन लेकर जा रहे हैं और एक दो दुकान में और मेरे ख्याल से पूछ लेना सही रहेगा, पूछ लेते और अगर नहीं मिला तो हम ये फ़ोन लेकर जाएंगे। हम उस शॉप में जाते हैं अभी, पूछते हैं सामने एक और शॉप। अच्छा आप इसको रखिए, मैं सामने एक वीडियो बना के आता हूँ। चलिए आइए, हम दूसरी मार्केट कंटिन्यू रखिए आप। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी शॉप में और फ़ोन खरीदने की कोशिश करते हैं। अच्छा वीडियो शूट कर सकते हैं? ओके, यहाँ भी वीडियो शूट करने की परमिशन हमें मिल गई है। अभी हम यहाँ देखने आए हैं फोन, आप मुझे दिखाइए 5,000 रुपये से नीचे एंड्रॉयड। हाँ हमारा बजट 5,000 का है और एंड्रॉयड चाहिए हमें। ये नोकिया 1 है? हाँ नोकिया 1। हाँ ये कितने का है? 4,000 रुपये का। ये 4,000 रुपये का मिला है। अभी आप देख सकते हैं कि दुकान पे घूमने से कितना फ़र्क मिलता है। यही फ़ोन हमको 4,000 कुछ का मिल रहा था और ये है 4,000 का, मतलब अगर आप इस शॉप पे आएंगे तो आपको सस्ते फ़ोन मिलेंगे, तो आपको इस शॉप पे ज़रूर आना चाहिए। चलिए और नेक्स्ट फ़ोन आपके पास कौन सा है? अच्छा सैमसंग का भी इनके पास है, देखते हैं सैमसंग का कौन सा मॉडल है। A2 ये कितने का है? 5,000। ये 5,000 रुपये का है। अभी आप देख सकते हैं ये उस दुकान में ये 5,000 कुछ का था और ये सिर्फ 5,000 का मिल गया यहाँ पर। तो जैसे जैसे आप अलग अलग दुकानें देखते हैं आपको प्राइसेस का बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलता है। इस फ़ोन की शुरुआत 5,600 से हुई थी, फिर 5,200 हो गई, अभी शॉप में ये 5,000 रुपये का मिल रहा है। तो ऑफलाइन मार्केट में अगर आप बहुत सारी दुकानें देखते हैं तो आपको प्राइसेस का बहुत डिफरेंस मिल सकता है। मैं ऑफलाइन मार्केट इसलिए आया हूँ क्योंकि बहुत सारे जो नए मॉडल्स आते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक ही रहते हैं, नंबर ही नहीं आता ऑर्डर करने का। तो ऑफलाइन जो भी अवेलेबल है उसकी गाइड है 5,000 रुपये की। अगर ये सेगमेंट आप ज़्यादा पसंद करेंगे तो इस तरह की मैं और वीडियो बनाऊंगा, हर हफ्ते आऊंगा और एक फ़ोन ले जाऊंगा। चलिए और बस यही आपके पास ऑप्शन है। अच्छा अब इनके पास लावा का भी अवेलेबल है, दूसरे शॉप में नहीं था। अब हम लावा का फ़ोन देख लेते हैं ज़रा, इसके स्पेक्स हमें देखने पड़ेंगे। ये कितने का है? 4,000। ये सिर्फ 4,000 रुपये का है। इसके स्पेक्स दिखाइए आप मुझे। बहुत अच्छे स्पेक्स, 16GB इंटरनल मेमोरी के साथ। इसका 16GB इंटरनल, हाँ इसकी बैटरी 2550mAh की है, 5MP और 5MP का कॉम्बिनेशन है कैमरा का, रियर और फ्रंट कैमरा,
स्टोरेज इतना, फेस अनलॉक, डुअल सिम, 4G वोल्टेज सपोर्ट। तो देखा जाए कुल मिला के तो अभी, हाँ जी हाँ जी, अभी देखा जाए तो दो फोन के बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। पहला है Redmi Go और दूसरा है Samsung का Galaxy A2 Core। तो मेरे हिसाब से अगर आप ज़्यादा लंबा रखना चलाना चाहते हैं फ़ोन को तो Samsung ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, लेकिन Redmi चाहते हो तो Redmi भी ले सकते हो। इसमें बैटरी हम देखते हैं कितनी है, 2600 mAh है, तो यहाँ पर ये मार्क आ जाता है। और यहाँ पर जो साफ विनर है वो है Redmi Go, क्योंकि उसके उसका प्रोसेसर भी बेटर है, उसकी बैटरी भी 3000 mAh की है। आपके पास Redmi Go है? Redmi Go है, हाँ लाइए। हाँ अरे तब तो हमें उस शॉप से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने देख लिया, बहुत अच्छी शॉप है, बहुत सस्ते, ये मॉडल आपको बहुत सस्ता मिल रहा है यहाँ पर। तो अगर आप चाहें तो आपकी शॉप का नाम क्या है? आशा इलेक्ट्रॉनिक्स। आशा इलेक्ट्रॉनिक्स से आके आप इस फ़ोन को सस्ते रेट पे ले सकते हैं। पूरे यहाँ पर मार्केट में सबसे सस्ता मॉडल मुझे यहाँ पर सैमसंग का मिल गया। तो अगर आप बुलंदशहर के आसपास रहते हैं तो यहाँ पर आके ये मॉडल आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर Redmi Go अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारी वीडियो हमें कट करनी पड़ेगी तो हम शॉप पर जाएंगे, Redmi Go खरीदेंगे और घर जाएंगे और उसके स्पेसिफिकेशंस आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके पास 4400 का है? ओके, तो अभी हम देखते हैं, अगर सस्ता मिल जाएगा तो वहाँ से लेंगे, नहीं तो हम इन्हीं की शॉप से आके ले लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, मैं देख लेता हूँ। हाँ हाँ जी लाइए, Redmi Go दीजिए। हाँ कितने का बताया था आपने? ये 4800। हमें उस दुकान पे 4400 का मिल रहा है। अगर आपको 4400 का मिल रहा है, आप वहाँ से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन चीज़ ये 16 GB में, ओके, वो आपका 8 GB में। अच्छा 8 GB में होगा, हाँ। तो ये बात है कि वहाँ पर हमें कम रेट मिल रहा है, लेकिन उसके जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम है। तो हम फाइनली ये फ़ोन खरीद रहे हैं, Redmi Go। आप इसका बिल, हाँ जी इसका बिल बनाइए आप और हमें ये दे दीजिए। चलिए फाइनली हमने खरीद लिया और यहाँ पर साफ विनर है Redmi Go। और आगे चलकर हम आपको अपडेट देते हैं कि हम आगे क्या करें।